नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके पास लाया हूँ टेक्नो स्पार्क 6 एयर वर्सेस वीवो Y11 का कंपैरिजन बिटवीन। तो गाइस करेंगे कंपैरिजन और देखेंगे व्हिच वन इज बेटर स्मार्टफोन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, विश्व मोबाइल टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो बिना कोई देरी से करते हैं कंपैरिजन और देखते हैं व्हिच वन इज बेटर स्मार्टफोन। दोनों मोबाइल की डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में आता है तो दोनों ही मोबाइल काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ आपको मिल जाते हैं। वीवो Y11 आपको ग्लासी फिनिश में काफ़ी अच्छा लुक के साथ आपको मिल जाता है। डुअल टोन कलर फिनिश के साथ आपको काफ़ी अच्छा लुक आपको मिल जाता है। वीवो का ब्रांडिंग नीचे की तरह आप देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की साइड में आपको डुअल कैमरा का सेटअप, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आपको दे रहा है। एंड साइड में आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम ओपन डाउन बटन, लेफ्ट हैंड साइड में आपको डिटेक्टेड सिम स्लॉट के साथ आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको 3.5mm जैक, स्पीकर ग्रिल एंड मैक्रो कनेक्टर के साथ आपको मिल जाता है। काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ आपको मिल जाता है। वाटर ड्रॉप स्क्रीन के साथ आपको वीवो दे रहा है। टेक्नो के बारे में आता है तो ट्रिपल कैमरा का सेटअप, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। लुक की जैसा कि देख सकते हो, प्लास्टिक बॉडी के साथ शाइनी फिनिश में काफ़ी अच्छा लुक आपको मिल जाता है। बीच में आपको टेक्नो स्पार्क लिखा हुआ मिल जाता है। राइट हैंड साइड में आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम ओपन डाउन बटन मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको डिटेक्टेड सिम स्लॉट के साथ आपको मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको 3.5mm जैक एंड मैक्रो कनेक्टर का ऑप्शन आपको दे रहा है। एंड वाटर ड्रॉप स्क्रीन के साथ आपको टेक्नो आपको मिल जाता है। वेट के बारे में आता है तो 216 ग्राम का ये टेक्नो स्पार्क आता है। काफ़ी हैवी है, इन हैंड फील भी देखने से एक हाथ में चलाने से काफ़ी तकलीफ होगा। एंड वीवो के बारे में आता है तो वीवो 190 ग्राम का ये मोबाइल है। इन हैंड फील भी काफ़ी अच्छा दे रहा है, पकड़ने में भी थोड़ा टेक्नो से थोड़ा छोटा है देख सकते हो। एंड बैटरी का आपको मिल जाता है वीवो में आपको 5000mAh का बैटरी के साथ आ रहा है। टेक्नो आपको मिल जाता है 6000mAh का मैसिव बैटरी के साथ आपको मिल जाता है। बिग बैटरी एंड बिग डिस्प्ले के साथ आपको टेक्नो स्पार्क मिल जाता है, देख सकते हो थोड़ा बड़ा है वीवो से। डिस्प्ले के बारे में आता है तो गाइस 7 इंच बिगर स्क्रीन के साथ आपको मिल जाता है 17.78 cm के साथ। रिजोल्यूशन आपको मिलता है 720x1640 पिक्सल AD+ डिस्प्ले के साथ आपको मिल जाता है। डिस्प्ले टाइप आपको मिल जाता है LCD, देख सकते हो। कलर के बारे में आता है तो डिस्प्ले कलर आपको मिल जाता है 16.7mm। वीवो की डिस्प्ले के बारे में आता है तो 6.35 इंच 16.13 cm, रिजोल्यूशन आपको मिल जाता है 720x1544 पिक्सल AD+ डिस्प्ले के साथ। एंड डिस्प्ले टाइप आपको मिल जाता है LCD IPS डिस्प्ले, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी आपको मिल जाता है अच्छा। जैसा कि वीडियो देख रहे हो, वीडियो में थोड़ा लाइट में काफ़ी अच्छा दे रहा है वीवो। एंड टेक्नो स्पार्क बिगर स्क्रीन आपको ऑप्शन में मिल जाता है एंड लाइट में थोड़ा लिटिल भी कम मिल रहा है। कैमरा का सेटअप के बारे में आता है तो पीछे तरह आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। फर्स्ट कैमरा आपको मिल जाता है 13MP मेन कैमरा एपरेचर 1.8 के साथ। सेकेंडरी कैमरा आपको मिल जाता है 2MP सुपर मैक्रो। एंड थर्ड कैमरा आपको मिल जाता है गाइस डेप्थ सेंसर के साथ आपको मिल जाता है। काफ़ी अच्छा कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। एंड फ्रंट कैमरा के बारे में आता है तो फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है 8MP डुअल फ्लैश लाइट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। वीवो की कैमरा का सेटअप के बारे में आता है तो पीछे तरफ आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाता है। फर्स्ट कैमरा आपको मिल जाता है 13MP मेन कैमरा। सेकेंडरी कैमरा आपको मिल जाता है पोर्ट्रेट बोके मोड के साथ आपको 2MP मिल जाता है एपरेचर 2.4 के साथ। एंड फ्रंट कैमरा के बारे में आता है तो फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है 8MP एपरेचर 1.8 के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आता है तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो एंड्रॉयड 10 का ऑप्शन आपको मिल जाता है लेटेस्ट वर्जन। एंड प्रोसेसर आपको मिल जाता है मीडियाटेक हेलियो A22 क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आपको मिल जाता है। एंड 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ X1 डुअल करते हैं 512GB। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आता है तो एंड्रॉयड 9 का ऑप्शन आपको वीवो Y11 में मिल जाता है। प्रोसेसर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 439 क्वाड कोर। प्राइमरी क्लॉक स्पीड आपको मिल जाता है 1.95 MHz के साथ आपको मिल जाता है। 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ डिटेक्टेड सिम स्लॉट के साथ आपको मिल जाता है। एक्सपेंडेबल कर सकते हो 256GB तक। प्राइस रेंज के बारे में आता है तो टेक्नो स्पार्क 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको 8000 के प्राइस रेंज पे आपको मिल जाता है। एंड वीवो 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 10000 के प्राइस रेंज के आपको मिल जाता है।
जैसा कि देख सकते हो भी टेक्नो में आपको 6000 mAh का मैसिव बैटरी मिल जाता है एंड बिगर स्क्रीन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, एंड वीवो में आपको 5000 mAh का मैसिव बैटरी मिल जाता है एंड डिस्प्ले आपको काफ़ी टेक्नो से थोड़ा छोटा मिल जाता है। टेक्नो थोड़ा हैवी है एंड लिटिल बिट आपको वीवो थोड़ा पकड़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा एंड ग्लासी फिनिश में काफ़ी अच्छा लुक आपको मिल जाता है। तो गाइस प्राइस रेंज से 2000 के ऊपर है आपको वीवो मिल जाता है एंड टेक्नो प्राइस रेंज से ठीक ठाक आपको मिल जाता है। तो गाइस प्राइस में रेंज में आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है टेक्नो, थोड़ा बजट में आपको वीवो मिल जाएगा।